एसिटिक एसिड लास्ट टाइम हम लोगों ने कार्बोक्सलिक एसिड्स के वो रिएक्शंस देखे थे जिनके अंदर पूरा का पूरा कार्बोक्सल ग्रुप जो है दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच ये पूरा ग्रुप पार्टिसिपेट करता है ठीक है इन रिएक्शंस में हमने देखा था देर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन द फर्स्ट टाइप वॉज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस जिनमें प्राइमेली कोल्ब इलेक्ट्रॉलिस रिएक्शन थे जिसमें पूरा का पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता ठीक है एंड यू आई द अदर फॉर्म वॉज द रिडक्शन रिएक्शंस वो भी ऑलमोस्ट यही चीज होती है ठीक है सो डी कार्बोक्सिलेशन इंड रिडक्शन रिएक्शन फॉर दोज जिनके अंदर पूरा का पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है अब हम लोग ऑलमोस्ट जनरल रिएक्शंस जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के पढ़ चुके हुए हैं नाउ वी आर गोइंग टू सी अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज कॉल्ड एसिटिक एसिड और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एसिड बिकॉज इट हैज बीन डिराइव फ्रॉम एथेन इसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज सी एच थ्री सी डबल है आप ऑलरेडी जानते हो इस फॉर्मूले को दिस इज एथेनोइक एसिड ठीक है बिकॉज़ ये एथेन से निकला हुआ है एथेनोइक एसिड जो है इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक इनटू इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिटिक एसिड जो है या जो एथेनोइक एसिड है इसको अगर आप बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में लो यानी इसके अंदर बहुत ज्यादा वाटर डिसॉल्व कर दो तो जो सॉल्यूशन आता है दैट इज कॉल्ड विनेगर विनेगर या जिसको हम उर्दू में बोलते हैं सिरका इट इज़ वेरी कॉमन हाउस होल्ड यूज में ठीक है एंड एवरीबडी मस्ट सिरका सिरके का जो टेस्ट होता है ना डाइल्यूट uh, फॉर्म में जो एथेनोक एसिड है वो भी बेसिकली यही चीज़ है तो इसका मतलब एसिटिक एसिड का भी एग्जैक्टली सिरका नोमा नुमा टेस्ट होता है इसके अलावा uh, जो एसिटिक एसिड है इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स Point, तो इसका 118 इसका point है, जो कि काफी कम है इट इज अराउंड 16.5 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस यानी अगर आप तो 16 Celsius, अगर आगर आगर या 17 के करीब अगर टेम्परेचर कर दो तो ये उससे कम टेम्परेचर के ऊपर सोलिडिफाई हो जाता है ठीक है मेल्टिंग प्वाइंट उसी को कहते हैं ना कि अगर मेल्टिंग पॉइंट इसका 16.5 है तो 16.5 से अगर कम आप हो गए तो आप सॉलिड हो गए और 16.5 से ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा अब रूम टेम्परेचर आपको पता है कि डेफिनेटली 16.5 से ज्यादा होता है इट्स ऑलमोस्ट 25 फाइव डिग्री सेल्सियस तो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो होता है एसिटिक एसिड इट एक्सिस्ट एज अ लिक्विड बेसिकली अ कलरलेस लिक्विड ठीक है लेकिन जब आप 16 या इससे कम टेम्परेचर कर देते हो तो देन इट एक्सिस्ट एज सॉलिड विच इज सिम 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 सिमिलर टू आइस इट्स आइस लाइक सॉलिड ठीक है और ये इसी वजह से ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहलाता है ठीक है ये जो कंपाउंड है एसिटिक एसिड उसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं अगर ये अपने आइस लाइक फॉर्म के हो फॉर्म uh, के अंदर हो ओके सो लेट्स कंटिन्यू सोलिबिलिटी के बारे में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करते हैं हम हमेशा से जब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं तो सोलिबिलिटी भी देखते हैं सोलिबिलिटी चूंकि किस बात पे डिपेंड करती है बॉन्डिंग के ऊपर हैविली डिपेंड करती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर देर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व एंड जिन जिन चीजों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगी इसका मतलब है उन तमाम चीजों के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स विल बी वेरी मच सोल्यूबल सो नाउ यू नो के अल्कोहल्स जो होते हैं उनके अंदर ओ एज ग्रूप लगा हुआ होता है सो वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विल मेक इट हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसी तरीके से आप अल्कोहल्स uh, के अलावा पानी जो है उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो पानी और अल्कोहल्स के अंदर एसिटिक एसिडज़ सोल्यूबल इन ऑल प्रोपोर्शनस प्रपोर्शन मतलब आप जितना भी डालते जाओ वो सारा का सारा मिक्स uh, होता जाएगा बिकॉज ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ बॉन्डिंग सो दैट्स इट अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज नाउ लेट्स कम टू प्रिपरेशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात नहीं करेंगे आज के लेक्चर में जो एसिटिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलमोस्ट क्या वो एग्जैक्टली वही हैं जो बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की थी तो आपने जो पीछे आपने देखे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के उसके अंदर वी हैव कार्बोक्सिलडी डिस्कस्ड टाइप ऑफ एसिड्स जिसके अंदर आर सी डबल ओ एच हम लोग कंसिडर किया करते थे अब आर की जगह आप अगर सी एच थ्री लगा दो तो वो जितने भी रिएक्शन आपने पढ़े हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के वो एसिटिक एसिड एसेट के ऊपर भी अप्लाई होते हैं ठीक है सो so, एसिटिक एसिड एसेट की कोई स्पेशल रिएक्शन नहीं है इसके सारे वही वाले रिएक्शन हैं। सो वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज वी विल जस्ट बी टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज वी हैव ऑलरेडी सीन लेट्स लुक एट द प्रिपरेशन कार्बो जो एसिटिक एसिड है ना इसको एक तरीका तो ये है कि आप लैब के अंदर प्रिपेयर करते लेबोरेटरी मेथड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसके लेबॉरेट्री मेथड्स और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसको कमर्शियल लेवल पे बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हो कमर्शियल स्केल के ऊपर सो so ये दोनों मुख्तलिफ किस्म के मैथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं लेबॉरेटरी में एक जो मेथड है वो ये है कि आप सिंपली अल्कोहल लेते हो आप अगर एथेनॉल लो एथेनॉल या एथाइल एथल्कोहल एट द सेम थिंग एथाइल अल्कोहल ये भी हम मेथड नंबर वन देखने लगे हैं लेबॉरेटरी टेक्निक्स के अंदर अल्कोहल, विच इज सी एच थ्री सी एच टू ओ एच ठीक है ये आपके पास एथाइल अल्कोहल है अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करो एंड ऑक्सीडेशन यू ऑलरेडी नो कि किस चीज की प्रेजेंस में करवाई जाती है किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में विच इज के टू सी आर टू ओ सेवन विच इज डायक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड साथ में सल्फ्यूरिक एसिड दे मेक अ गुड कॉम्बिनेशन एंड टूगेदर द मेक नेसेंट ऑक्सीजन सो दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज गोइंग टू अटैक टू प्रोटॉन्स ऑफ दिस एथैलअल्कोहल और इन दोनों के साथ से ही क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन ये इन दोनों को रिमूव करा लेगा एंड फाइनल इज गोइंग टू फॉर्म एच टू ओ और ये जो दो हाइड्रोजन्स रिलीज हो जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा सी एच थ्री सी ओ और एच

एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करा के एथेनल प्रोड्यूस कर दिया है और एथेनल की अगर मजीद ऑक्सीडेशन आप करवाओ सो विल हैपन कि इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन क्या करती है कि इस कार्बन के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि एक ओ एच ग्रुप आके अटैच होता है ठीक है ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है ठीक है और ऑक्सीजन के साथ एक एच आके फिर अटैच हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ प्रोड्यूस होती है और उसके बाद ये होता है कि अगेन आपके पास एक एच और एक ओ एच रिमूव होता है सॉरी uh, दो एच रिमूव होते हैं एक इस ओ से और एक इस कार्बन से जिसरा पहले रिमूव हुए थे और ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं एंड नाउ यू कैन सी यू हैव मेड दिस एथेनल इन टू करबोक्सिल एसिड विच इज एथेनोइक एसिड यू हैव ऑलरेडी सीन इसी तरह के रिएक्शन इसमें नाउ यू अंडरस्टैंड कि आप एथेनल की ऑक्सीडेशन सेल प्रोड्यूस कर सकते हो और एथेनल की ऑक्सीडेशन से यू कैन प्रोड्यूस एथेनोइक एसिड एंड दिस इज द फर्स्ट टेक्नीक विच इज यूज इन द लेबॉरेटरी द सेकेंड टेक्निक विच इज यूज इन द लेबॉरेटरी इज के आप अल्काइल नाइट्राइल्स से प्रोड्यूस करो डू यू रिम्बर वर अलकाइल अलकाइल्स नाइट्राइल हम बोलते हैं कोई ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सी एन अटैच हो सी एन का स्ट्रक्चर यह होता है ठीक है इसके पीछे कोई भी अलकाइल ग्रुप हो सकता है आप अलकाइल ग्रुप अगर मिथाइल ग्रुप ले लो तो दिस इज देन कॉल्ड मिथाइल नाइट्राइल इफ यू टेक मिथाइल नाइट्राइल एंड अगर किसी एसिडिक मीडियम के अंदर आप रिएक्शन करवाओ एच टू ओ या एच प्लस के प्रेजेंस में तो आप ऑलरेडी पीछे देख चुके हो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शन में कि दिस साइनाइड ग्रुप्स दिस सी ट्रिपल बॉन्ड एन इट बिहेव सिमिलर टू सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के अंदर क्या खसूसियत होती है इसकी ये खसूसियत है कि ऑक्सीजन इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव सिमिलरली इसमें भी नाइट्रोजन इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव इसमें देर इज अ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें देर आर टू पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ठीक है सो दिस सी एन बॉन्ड इज वेरी मच सिमिलर टू सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड जिससे सी डबल बॉन्ड ओ में ये होता है ना कि जो ऑक्सीजन है ये जाके अटैक करता है किसी पॉजिटिव एंटिटी को अगर आप किसी एसिड के अंदर रिएक्शन करवा रहे हो तो ये ऑक्सीजन जाके अटैक करता है इस प्रोटॉन को और ये ओ OH एच बन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन पे, पे ट्रांसफर हो जाता है ठीक है इसी तरीके से इसमें भी यही होता है कि जो नेगेटिव चीज है इट इज इज गोइंग गोइंग टू टू अटैक अटैक दिस 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 का जो नेगेटिव है है ये उसके साथ अटैच हो जाएगा ठीक और कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर ये एक्चुअली हुआ ही है कि एन ने जब उसको अटैक किया है ना तो ये लोन पे पूरा वहां पे शिफ्ट हो गया कार्बन पे एक्जैक्टली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे फिर एक ओ एच आके अटैच हो जाएगा सो so, ओवरऑल पहले स्टेप के अंदर ये रिएक्शन बनेगा आपके पास आप यूं इसको सादा जुबान के अंदर यूं समझ लो कि एक बॉन्ड है एक तरफ आके एच अटैच हो गया और एक तरफ आके ओ एच अटैच हो गया ठीक है यहां तक तो कहानी इज वेरी सिंपल इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस इज कि दोबारा यही होता है बिकॉज स्टिल नाइट्रोजन इज नेगेटिवली नेटिव एंड कार्बन इज पॉजिटिवली चार्ज दिस नाइट्रोजन इज गोइंग टू अटैक अनदर हाइड्रोजन एंड इट विल कन्वर्ट इन टू एन एच टू ठीक है जब वो एन एच टू के अंदर चेंज हो जाती है तो देन वॉट हैपन्स कि एक हाइड्रोसाइड आता है जिस तरह पहले उसने कार्बन पे अटैक किया था ना इस दफा इट्स गोइंग टू तो अटैक दिस हाइड्रोजन ठीक है और उसको अपने साथ से अलग कर लेगा और ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे फिर एंड दिस इज द प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू फॉर्म ठीक है मिथाइल ग्रुप दरम्यान में एक सी डबल बॉन्ड ओ ठीक है और सॉरी ये यहाँ से एक डबल बॉन्ड टूट गया था और साइड पे एक एन एच टू या अमीन ग्रुप दिस इज कॉल्ड एसिटमाइड यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम मिथाइल नाइट्राइल ठीक है और आपने फाइनली क्या प्रोड्यूस कर दिया सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और एक तरफ एनएच टू ठीक है दिस इज कॉल्ड एसिटअमाइड ठीक है एसिटमाइड नाउ आप फर्दर अगर इसका रिएक्शन करवाओ विथ इन एन एसिडिक मीडियम तो क्या होता है कि दिस एसिडिक मीडियम गेट्स कन्वर्टेड इन टू इट चेंजेस द स्ट्रक्चर इन टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एंड साथ में आपके पास एन एच टू जो है एन एच थ्री में चेंज हो जाता है अमोनिया के अंदर चेंज हो जाता है और अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस साइंस बिहेव एज एन एच फोर पॉजिटिव ठीक है या आप सिंपली ये कह लो कि एक दफा फिर से यही हुआ कि इस नाइट्रोजन ने अटैक किया और यहां से ये वाला बॉन्ड भी टूट गया और यहाँ पे आके इस कार्बन के साथ एक ओ OH एच लग गया और एन के साथ एक एच लग गया ठीक है सो नाउ यू गेट दिस कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज बेसिकली एसिटिक एसिड सो दिस इज अनदर दिस वॉज अनदर मेथड जिसमें आप मिथाइल नाइट्राइल यानी सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एन से शुरू करते हुए आप कर... एथेनोइक एसिड तक पहुंच सकते हो या एसिड तक पहुंच सकते हो मैं एक फिर रिपीट कर देता द द प्रोसीजर फर्स्ट ऑफ़ ऑफ़ ऑल वन बॉन्ड इज़ टू ब्रेक पे दोनों कार्बन और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बना देंगे एंड दिस स्ट्रक्चर इज देन कॉल्ड एसिड अमाइड ठीक है और फिर जो एसिड अमाइड है दिस इज गोइंग टू फर्दर रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और ये क्या करेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जील्ड करेगा और साथ में अमोनिया रिलीज हो जाएगी ठीक हो गया दीज वर द टू मैथड्स जो कि इस्तेमाल होते हैं लेबॉरेटरी के अंदर uh, एसिटिक एसिड एसेट को प्रिपेयर करने के लिए ऑन कमर्शियल स्केल्स हाउ एवर कमर्शियल लेवल पे अगर आपने प्रिपेयर करना है तो मेथड जो हैं वो थोड़े से डिफरेंटली इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि कमर्शियल स्केल पे आपने बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना होता है ना सो कमर्शियल स्केल पे देर आर फर्दर uh, जैसा उसमें आपने दो मैथड्स देखे थे इसमें भी आपके पास दो मैथड्स होते हैं द फर्स्ट मैथड इज के यू मेक इट फ्राम एसीटाइलिन एसीटाइलिन या जिसको हम इथाइन बोलते हैं एथाइन जो है इट इज कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड विद कार्बन ये जो अभी मैं आपको आ, करवाने लगा हूं ना रिएक्शन ये आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर एट के अंदर कर चुके हुए हो ठीक है चैप्टर नंबर एट के अंदर आपने सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच का एक रिएक्शन किया था जिसमें आप क्या करते थे कि आप एक इथाइन का रिएक्शन कराते थे विद वाटर ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू ओ फोर

एन अल्कोहल टाइप ऑफ थिंग बट इसमें आपस में अभी भी देर इज अ डबल बॉन्ड इससे नेक्स्ट स्टेप में यह होता है कि यह कंपाउंड अपने आप को रीशेप करता है रीशेपिंग किस तरीके से होती है कि यहां से ये जो हाइड्रोजन है दिस हाइड्रोजन दिस गेट्स शिफ्टेड ऑन दिस कार्बन ठीक है और ये जो यहाँ से डबल बॉन्ड है इट ब्रेक्स इंटू अ सिंगल बॉन्ड यह वाला हाइड्रोजन उधर शिफ्ट हो गया था और यह कार्बन और ऑक्सीजन आपस में एक डबल बॉन्ड यू बना लेते हैं ठीक है? यू हैव मेड सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच नाओ दिसड है आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यू कैन मेक इट इन टू एन एसिड इन कार्बोक्सिलिक एसिड सो दिस एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ वी टू ओ पेंटा ऑक्साइड कैटलिस्ट एंड इट्स कन्वर्टेड इन टू सी एच थ्री ये यहाँ पर यही रहता है ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डिहाइड में ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन का ब्रेक होता है यहाँ पे एक एच आके लग जाता है यहाँ पे एक ओ एच आके लग जाता है और उससे अगले स्टेप में ये होता है कि एक यहाँ से एच और एक यहाँ से एच रिमूव हो जाता है यानी ऑक्सीडेशन हो रही है एच हाइड्रोजन रिमूव करने को ऑक्सीडेशन कहते हैं और ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं सो देन दिस एल्डिहाइड गेट्स कनवर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिटिक एसिड सो इन लेबोरेटरी यू कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम एसीटाइलीन एसीटाइलीन को आप इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करवाओ तो यू गेट एन एलडीहाइड ठीक है पहले आपके पास एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जिसमें एक डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और वो रीशेप होकर एल्डीहाइड प्रोड्यूस कर देता है इट इज इन पर्टिकुलर एथन एल्डी एथेनल एंड देन उस एथेनल को अगर आप ऑक्सीडाइज करो इन द प्रेन्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोम पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुत ज्यादा लार्ड स्केल पर आप यूज नहीं कर सकते

इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट अब इसमें भी आप इंडस्ट्री में भी यही करते हो फर्क सिर्फ ये है कि एथेनॉल को प्रोड्यूस करने का तरीका लैब के अंदर कुछ और होता है और इंडस्ट्री के अंदर कुछ और होता है लार्ज स्केल के ऊपर जब आप बात करते हो तो कमर्शियल लेवल पे एथेनॉल को प्रिपेयर करने के लिए व्हाट इज डन इज क्या आप एक प्रोसेस करते हो सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दिए जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो मैं इसको दोबारा अभी नहीं बताऊंगा फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन की जाती है मोलेसिस की मोलेसिस क्या होते हैं दीस आर रिमेन्स ऑफ शुगर केन और उसके आप करते हो फर्मेंटेशन और फर्मेंटेशन के एंड में आपको मिलता है C2H5OH या एथेनॉल और उस एथेनॉल को फिर आप इन द प्रेजेंस ऑफ K2SO4 सॉरी K2 Cr2O7 एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट हम इन दोनों को इकट्ठे अगर बोलते हैं तो एसिड डाइक्रोमेट भी बोलते हैं ठीक है तो एसिड डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाते हो ऑफ एथेनॉल विच हैज बिन प्रोड्यूसड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मलेस एंड एज अ रिजल्ट यू फर्स्ट गेट एथेनॉल ठीक है विच इज सी टू एच थ्री ओ C2H4O, टू एच सॉरी सी या अगर मैं इसको स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये कुछ यूं करके होता है CH3 के साथ एक कार्बन डबल मॉन्डेड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड देन फर्दर C2H4O2, टू एच फोर ओ टू विच इज द फॉर्मूला ऑफ एथेनोक एसिड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आके फिट एन हो जाता है अगेन बाय द

विनेगर और ये हाउस होल्ड यूज में बहुत ही कॉमनली यूज होता है इसके अलावा भी एसिटिक एसिड के बहुत सारे यूजेज हैं ठीक है जो कि आप अपने बुक लिटरेचर के अंदर देख सकते हो एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन प्राइमरीली आज हमने डिस्कस की है प्रिपरेशन और स्टार्ट में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिटेल के अंदर देखी है एसिटिक एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन प्रिपरेशन में फिर हमने फर्दर देखेट क्लासेज ऑफ प्रिपरेशन यू कैन आईदर प्रिपेयर इट इन दै लैब या आप इसको इंडस्ट्री के अंदर प्रिपेयर करते हो लैब के अंदर आप नॉर्मली अगर कोई एक्सपेंसिव भी चीज है उसको यूज कर लेते हो बिकॉज अपने बस इी की दफ़ा रिएक्शन करवाना है बट इंडस्ट्री में चूंकि लार्ज स्केल प्रिपरेशन होती है तो वहाँ पर आप कोई महंगी चीज नहीं यूज कर सकते अफोर्ड नहीं कर सकते आप ठीक है सो so, इंडस्ट्री के अंदर यू प्रिपेयर इट फ्राम एसिटाइलिन एंड द सेकेंड वन इज अगेन जिसमें आप अल्कोहल से प्रोड्यूस करते हो और लैब के अंदर यू कैन प्रिपेयर इट फ्राम मिथायल नाइट्राइल जिसमें हमने देखा था कि मिथाइल नाइट्राइल को आप हाइड्रोलिसिस करते हो और सेकेंड वन इज अगेन अल्कोहल इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में ठीक है अमीनो एसिड्स आर बेसिकली कंपाउंड्स जिसमें कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है सी डबल ओ एच ठीक है और इसी कार्बन के ऊपर एक अमीन ग्रुप भी अटैच होता है ठीक है विच इज़ एन एच टू और बाकी एक पीछे आप अल्काइल चेन लगा दो या इधर भी एक अल्काइल और इधर भी एक अल्काइल लगा दो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अमीनो एसिड्स इनकी बाकी डिटेल्स हम इसे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे